العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل وليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين عزيزان علمي كلام کے اندر ہم نے ایک بحث ختم کر لی اور وہ تھی دلیل نظم کی بات. آج ہم ایک اور دلیل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ اصل میں رد ہے مادہ پرستوں کے موقف کی. بچائے خود دلیل نہیں ہے لیکن دلیل بن رہی ہے مادہ پرستوں پر ایک چوٹ لگانے کی وجہ سے. مادہ پرست کہتے ہیں اور نیچرلسٹ بھی فطرت پرست بھی کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے جو دیکھی نہ جائے. اور یہ تب وہ کہتے ہیں جبکہ سائنس کے اندر جو تحریک چلی ولیم جیمز کے ساتھ ہی, تو وہ تحریک یہ تھی کہ علم جو ہے وہ اصل میں لیبارٹری کے اندر یا لیبارٹری کے باہر تجربوں کی وساطت سے حاصل ہو جائے, تجربوں کی وساطت سے, ایکسپیریمنٹیشن. تو ایکسپیریمنٹیشن جب تک علم میں استعمال نہ کی جائے جو کچھ حاصل ہوگا وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا. تو اس تحریک کو, اس نہضت کو کہا جاتا ہے ایمپیریسزم. ایمپیریسزم اس تحریک کو کہا جاتا ہے سائنس کی زبان میں ایمپیریسزم. ایمپیریسزم اور جو چیز دیکھنے میں, سننے میں, لمس کرنے میں, ٹیسٹ کرنے میں, وزن کرنے میں, چھو لینے میں وغیرہ وغیرہ چیزوں میں آ جائے اس کو ہم کہیں گے ایمپیریکل سائنسز. ایمپیریکل سائنس, ایمپیریکل سائنس. لہذا اس بنیاد پر فزکس ایک ایمپیریکل سائنس ہے کیونکہ فزکس کے اندر باقاعدہ ناپا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے حسیات کے ذریعے سے, سینس آرگنز کے ذریعے کو امپلائی کر کے, مختلف امپلیمنٹس کو استعمال کر کے, مختلف آلوں کو استعمال کر کے, جیسے سپرنگ بیلنس کو استعمال کر کے دو چیزوں کا وزن برابر دیکھنے میں وغیرہ وغیرہ. تو ہم
एम्पिरिसिज्म का इस्तेमाल करके, एम्पिरिसिज्म की बुनियाद पर एम्पिरिकली उस साइंस में नॉलेज जमा करते हैं। इसलिए फिजिक्स सबसे मोतबर एम्पिरिकल साइंस समझा जाता है। और दूसरे नंबर पर समझा जाता है केमिस्ट्री को एम्पिरिकल साइंस। फिर जब आती है बात बॉटनी की और जूलॉजी की, वहाँ हमेशा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, अगरचि जेनेटिक्स में होते हैं, उसका जेनेटिक्स जो ब्रांच है उसमें होते हैं, लेकिन आमतौर पर उस तरह एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं जिस तरह केमिस्ट्री में होते हैं मिसाल के तौर पर, या फिजिक्स के अंदर होते हैं, और आजकल साइकोलॉजी में भी होते हैं। तो लिहाजा जो बायोलॉजी है यानी बॉटनी और जूलॉजी, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने एम्पिरिकल नहीं हैं। तो यह फिजिक्स और केमिस्ट्री एम्पिरिकली ज़्यादा एडवांस्ड है एज अगेंस्ट जूलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन फिर भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मिसाल के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, इस तरह के मजामीन पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के मजामीन में एम्पिरिकल बेस है ही नहीं, क्योंकि वहाँ नापा नहीं जाता, तोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, बस थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज को फिक्री एतबार से टेस्ट किया जाता है। अगरचे आजकल अब सोशियोलॉजी के अंदर सर्वेज के अंदर स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन होती है, लेकिन तजुर्बागाहें नहीं हैं, इसलिए सोशियोलॉजी जो है वो उस तरह से एम्पिरिकल नहीं जिस तरह से जूलॉजी और बॉटनी है, और जूलॉजी और बॉटनी उस हद तक एम्पिरिकल नहीं जिस हद तक फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और रियाजी मैथमेटिक्स वो तो पहला साइंस बनने वाला मजमून था, तो उसमें तो तजुर्बे होते हैं, नापा जाता है चीज़ों को, समझ रहे कि नहीं, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो नापे जाते हैं कि नहीं, प्रोटेक्टर की मदद से या बाकी मदद वो जो तरीकों से, तो नाप तोल जिसमें आएगा वो एम्पिरिकल है, जहाँ नाप तोल नहीं आ जाएगा वो एम्पिरिकल नहीं है। तो एम्पिरिसिज्म जो है ये एक तहरीक थी, और इस तहरीक की बुनियाद क्या थी कि ये तहरीक चलाने वालों ने कहा हम सिर्फ ऐसे इल्म पर भरोसा करेंगे जो इल्म हमें मिल जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म के ज़रिए से जो इल्म हमें मिले वो काबिल एतबार, हमें कबूल, जो ऐसा नहीं होगा हमारा उस पर एतबार नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं जो मैटर है, मैटर जो है, मादा जो है, तो मैटर एज अगेंस्ट एक चीज़ मैटर है, और दूसरी चीज़ है नॉन मैटर या नो मैटर, नॉन मैटर, नॉन मटेरियल चीज़, एक चीज़ नॉन मैटर है, जैसे आपकी बातें मटेरियल नहीं है, आपके एतकादात मटेरियल नहीं है कि है, आपकी जो नज़रियात हैं आइडियोलॉजीज, आपकी आइडियोलॉजी एक कम्युनिस्ट है, एक सोशलिस्ट है, एक कैपिटलिस्ट है, तो ये नज़रिए हैं, इनको न तोला जा सकता है ना नापा जा सकता है, ना इन मैदानों में तजुर्बे किए जा सकते हैं, इसलिए जो कुछ भी हमें मिलेगा इन उलूम के अंदर उसे काबिल एतबार नहीं समझा जाता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट मैटर दैट इज़ डेल्ट विथ इन दैट फील्ड ऑफ नॉलेज, समझ रहे या नहीं। ओके, तो लिहाजा सीधी सी बात है, सीधी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, अब आपको क्लियर हो चुका होगा, जो चीज़ देखने में आएगी, जो चीज़ सुनने में आएगी, जिसको टच किया जा सकेगा, जिसको नापा और तोला जा सकेगा, जिसको हाथ से छुआ जा सकेगा, ठीक है कि नहीं, उस चीज़ को वो कहते हैं रियल है, बाकी चीज़ें जो हैं नॉन मटेरियल वो कहते हैं ये नॉन रियल है, इनका एतबार नहीं है। आप कहते हैं एंजल्स होते हैं, दिखाओ जी कहाँ है, एंजल्स अगर है तो दिखाइए, अगर जिन है तो दिखाइए, है ना, दिखाइए, जब दिखाएंगे तब मानेंगे, क्योंकि हम उस पर तजुर्बा करना चाहेंगे,
एंजल को पकड़ेंगे, 5-6 दिन बंद रखेंगे कमरे में, फिर उस पर तजुर्बे करेंगे, फिर तजुर्बे में जब वो रेस्पॉन्ड करेगा तो रेस्पॉन्स की वजह से हम समझेंगे हाँ ये है कुछ। तो जब वो हाथ में आने वाला ही नहीं, कमरे में बंद करने वाला ही नहीं, और फिर उस तरफ उस पर तजुर्बे नहीं किए जा सकते, वो नादीदनी चीज़ है, अनसीन चीज़ है, अनटचेबल है, अनटचेबल है, वेट करने के काबिल नहीं। मैं 60 किलो मसल वजन में हूँ, उस एंजल को मैं वजन करना चाहूँगा, तो आप क्या आप वजन करके देंगे? आप कहेंगे मैं कैसे वजन करके दूंगा, तो कहेंगे तो वो नॉन वेबल है, तो इसलिए वो रियल नहीं है। ना 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 ना, एम्पिरिकल फील्ड में आता ही नहीं, एम्पिरिसिज्म के कसौटी पर नहीं उतरा है, उतरता है, इसलिए उसका वजूद हम नहीं मानते। लिहाजा हम मानते हैं कि जो चीज़ देखने में आएगी वो मौजूद है, जो चीज़ देखने में नहीं आएगी उसका वजूद नहीं है, वो बस ख्याली बातें, वो बस ख्याली बातें। इस नज़र में न आने वाली चीज़ों का जो हेड है सबसे बड़ा, और वो है आपका खुदा, तो हम तो नहीं मानेंगे आपके खुदा को। आप दिखाएंगे तो मान लेंगे, अगर आप दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तो, अगर आप नहीं दिखा सकेंगे, या कि मैंने भी कभी नहीं देखा आज खुद, खुद से भी मैं कभी नहीं देखूंगा, या देखता हूँ या उम्मीद रखता हूँ देखूंगा कभी, तो मैं कैसे मानूंगा? ये किनका कहना है? मादा परस्तों का कहना है। और मादा परस्त कौन है? जो कि एम्पिरिसिज्म की तहरीक चलाने वाले लोग थे, और उनके पीछे पूरी दुनिया दीवाने होकर उन्हीं के पीछे चली गई, उन्हीं के पीछे चलने लगी, बल्कि चल रही है आज भी। इसलिए हम कहते हैं ये हमें क्या हो गया है, मुसलमानों में क्या हो गया है कि जो वैल्यूज़ है, अकदार हैं, वो गिर चुके हैं, अब वैल्यूज़ नहीं रहे, उनके अखलाक गिर गए हैं। क्या बात है, क्यों गिर गए हैं? पहले तो बड़े 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 ऊंचे ऊंचे अखलाक वाले, ख्यालात वाले लोग थे, आज के मुसलमानों को क्या हो गया? तो यहाँ से कोई आता है, वो कहता है आपको नहीं पता, हम कहते हैं बताइए क्या, हमें नहीं पता, कहता है वो भी मेटेरियलिज्म के शिकार हो गए, और वो भी आप रुपए के पीछे, अब वो भी रुपए के पीछे, रुपए मिलेगा तो ठीक है, पीर साहब को रुपए नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, वो क्यों देगा आपको तावीज़ बगैर रुपए के, समझ में कि नहीं? इसी तरह आपकी मस्जिद को इमाम जमात की ज़रूरत है, तो जब आप पैसा देंगे तो इमाम जमात मिलेगा, जब नहीं देंगे तो वो कहाँ से आएगा इमाम जमात? क्या आप कमाएंगे और वो बेचारा कुछ नहीं कमाएगा? क्या उसकी हांडी नहीं चढ़ेगी चूल्हे पे, आपकी चढ़ेगी उसकी नहीं चढ़ेगी? ना, चढ़नी चाहिए उसकी भी, लिहाजा पैसा निकालो और इमाम जमात मिलेगा, समझे कि नहीं? यानी हर चीज़ पैसे की नज़र से देखी जा रही, और पैसे का मतलब क्या है? मैटर, मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म। जहाँ मटीरियल नहीं है, जहाँ पैसा नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ दिलचस्पी नहीं है। इखलाक से क्या मतलब? अगर इखलाक का फ़ायदा कुछ दिखाएंगे मटीरियली, हाँ हर कोई पीछे चलेगा, हर कोई। आप स्कॉलरशिप दीजिए स्टूडेंट्स को तो आप देखिए कितने आएंगे, भर जाएगा कमरा। आप स्कॉलरशिप ही नहीं देते हैं तो लड़के कहाँ से आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो वहाँ जाएंगे जहाँ पैसा मिलेगा। तो जहाँ पैसा मिलता है उसी तरफ लोग चले जाते हैं, जहाँ पैसा नहीं मिलता है, मटीरियल गेन जहाँ नहीं है, मादी फ़ायदा जहाँ नहीं, उस तरफ लोग आमतौर पर नहीं जाते हैं, बग़ैर जो आइडियलिस्ट हैं, बग़ैर वो लोग जो जानते हैं कि नहीं खाली मैटर ही नहीं है, वो कहते हैं कि रुपए ही सब कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि इज़्ज़त भी बड़ी चीज़ है, रुपए ना मिले लेकिन इज़्ज़त मिले। तो मटीरियलिस्ट बेचारा अब कहेगा अब मैं क्या कहूँ, ये तो बात अच्छी है, लेकिन ये कि मैं तब भी नहीं मानूँगा, मैं कहूँगा तब है इज़्ज़त वगैरह की बात जब आप इज़्ज़त को मुझे नाप के देंगे। इस मौलाना की इज़्ज़त 6.5 मीटर है, और उस मौलाना की इज़्ज़त सिर्फ 3 मीटर है, और इस मौलाना की इज़्ज़त सिर्फ 0.5 मीटर है। तो जब आप इज़्ज़त को नाप के बताएंगे तो मैं मान लूँगा, जब आप नाप नहीं सकते हैं इज़्ज़त को तो मैं क्या मान लूँ? ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि नापी नहीं जा सकती है, इसलिए नॉन मटीरियल है, ये मटीरियल नहीं है। तो अगर मटीरियल होती मैं मान लेता, आप समझ गए या नहीं? तो ये है मसला। अब इस मसले में हम चोट लगाने वाले हैं किनकी? मटीरियलिस्ट की। हम उसे कहना चाहेंगे देखिए महाराज, मसला ये है
कि आप कहते हैं जो चीज़ दीदनी है उसी का वजूद है, और जो चीज़ देखने में नहीं आती है, अगर आप ये कहते हैं कि होगी लेकिन मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आप कहते नहीं हो ही नहीं सकती, तो इस सूरत में क्या है? इस सूरत में हम आपको बताएंगे कि आप भी कहीं कहीं नादीदनी चीज़ों का एतबार करते हैं और हमें झूठ मूठ में इसलिए कहते हैं ताकि हमारा नुक्ते नज़र आप रद्द करना चाहते हैं, वरना आपके यहाँ भी नादीदनी बातें हैं जिन पे आप एतबार करते हैं और हैं, तो वो एक एक करके लेते हैं। नंबर एक, तो ये रही उलूमी तजरबिया और मावराई तबीयत। उलूमी तजरबिया जो है एम्पेरिकल साइंसेस, उनमें मावराई तबीयत नहीं माना जाता है। मावराई तबीयत या मावराई वादा एक ही लफ्ज़ है, मावराई मादा और मावराई तबीयत एक ही लफ्ज़ है, और वो है मेटाफिज़िकल नॉन मटीरियल, इसको मावराई मादा कहें। अब ये कानून है, पहला कानून जो कि ख़ास तौर पर आइंस्टाइन की वजह से निकल आया, और वह है बदला जा सकता है तबद्दुलो, क्या बदला जा सकता है? मादा बदला जा सकता है, तबद्दुलुल मादा, मादा बदला जा सकता है, मादा बदल जाता है, किस चीज़ में बदल जाता है? बिताका, ताकत के अंदर बदल जाता है, मादा ताकत के अंदर बदल जाता है। मादा था, इसको हम तब्दील करेंगे, किस में तब्दील करेंगे? ताकत के अंदर, और वही वो मशहूर जो है फार्मूला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यह है तबद्दुलुल मादा बिताक, मादा है M, मादा है M, और हमें क्या मिलेगा इसमें? इसे हमें E मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकत, तबद्दुलुल मादा बिताक, एनर्जी मिलेगी, ताकत को हम बदल देंगे और एनर्जी हासिल करेंगे, कितनी मिलेगी मादा से? E इज इक्वल टू, हमें एनर्जी मिलेगी एम सी स्क्वायर के बराबर, सी कॉन्स्टेंट है, फार्मूला बनी हुई है, कोई मसला नहीं, आपको एनर्जी मिलेगी, E मिलेगा, एनर्जी मिलेगी मादा को तब्दील करके, मादा को तब्दील कीजिए, जैसे एटम बम के अंदर आप फ्यूजन या फिशन के ज़रिए से मादे को तोड़ देते हैं यानी मिला देते हैं, दोनों तरीके हैं, फ्यूजन है जब दो चीज़ें मिल जाए और एक नई चीज़ वजूद में आ जाए, या ये कि एक ही चीज़ को तोड़कर उसके हिस्से बखरे किए जाएंगे, तो दोनों सूरत में हमें इस एम को, मास को, मास यानी मटीरियल मैटर को, मादा को, इसको बदलना पड़ेगा, और बदल के हमें मिलेगी एनर्जी, बे इंतहा एनर्जी मिलेगी। तो अब ये बे जो ये तबद्दुल मादा है, ये बड़ी परेशानी है किसके लिए? मटेरियल्स के लिए, और हमारा ये बहुत बड़ा हथियार, हमारा हथियार क्यों है? हम कहेंगे आप कहते हैं मादा तब्दील होता है ताकत में, अब मादा होता है तब्दील किस में? ताकत में, तो मादा परस जनाब ज़रा हमें ये मादा बता दीजिए दिखा के, ये जो ताकत है, ताकत, ताकत जो है ये हमें बताइए, ये क्या चीज़ है, कहाँ है, तोल के दिखाइए, नाप के दिखाइए, छू के दिखाइए, जाइए नागासाकी में, हिरोशिमा में जाइए, और जाके जमा करके एक बस्ते में ला के खुशहाल सर में लाइए और हमें दिखाइए, ये थी था एनर्जी, ये थी जो उसमें से एटम से निकली। तो अगर ये चीज़ दीदनी नहीं है, ताकत तो दीदनी नहीं है, क्योंकि ये भी मटेरियल नहीं है, ये भी मटेरियल नहीं है, अगर जो वजूद है, इसका वजूद है हम मानते हैं, इसका वजूद है, लाजमन है, हम मानते हैं, हम आपसे लेकिन ये कहते हैं अगर वजूद है तो दिखाइए, हम मानते हैं मौजूद है, क्या आप भी मानते हैं मौजूद है? जी हाँ, मैं भी मानता हूँ, अगर आप मानते हैं मौजूद है तो दिखाइए, आप तो एम्पिरिकल साइंस बन गए, एम्पिरिकल साइंस के पीछे पीछे नाप के दीजिए, तोल के दीजिए, तब तक मैं नहीं मानूंगा, तो मैं पेमेंट करूँगा तभी, आपने अगर 10 किलो एनर्जी लाई तो मैं 10 किलो की पेमेंट करूँगा, लेकिन तब जब आप 10 किलो तोल के देंगे, वरना मैं नहीं दूंगा कुछ भी।
और दिखाएंगे आंखों से, आंखों से ना सही, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से नहीं, टेलीस्कोप से, सुपर माइक्रोस्कोप कोई भी हो, सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव माइक्रोस्कोप से दिखाइए, मैं मानता हूँ। तो आप बेचारा हो गया ना, बांध बेचारा माता पर फंस गया, उसका गियर ही फंस गया, जब गियर बॉक्स ही फंस गया तो गाड़ी ठप करके बैठ गई। कोई जवाब है उसका? नहीं है कोई जवाब नहीं। एनर्जी जो भी है वो एक चीज़ है, लेकिन वो है जिसका इनकार करते हैं माधव परस्त, हालांकि मानते हैं कि है। यहाँ तो वो मानेंगे, हम कहेंगे कि जाकर आप एनर्जी को मानते हैं तो एनर्जी पैदा करने वाले बड़े जो मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, हस्ती है, उसको भी मानिए ना। मैं नहीं मानता उसके बगैर। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं नहीं मानता। भैया ये क्या दलील हुई? क्योंकि मैं नहीं मानता, ये क्या बात हुई? ये तो बात ही नहीं हुई। अगर ये मानते हैं, आप मुझे कहते हैं ये है, आप 5 मिनट के मैं कहूँ नहीं है, मैं नहीं मानता, तो क्या कहते हैं आप? आपका दिमाग ठीक है? मैं कहूँगा मेरा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपका ठीक नहीं है। वो कहेगा क्यों? मैं कहूँगा आप अभी तो कह रहे थे जो चीज़ एम्पिरिसिज्म के दायरे में आएगी बस उसी का वजूद है, उसके बगैर किसी चीज़ का वजूद नहीं है। अब ये क्या दिखाने लगे आप बच्चों के छछपूतू? है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी दलील है, तबद्दुलुल मादा बिताका, बिताका ताकत के अंदर इसका मादा। अच्छा, और ये हकीकत है कि जो ये ताकत है, अभी तक आज तक न इसकी मालूम है हकीकत क्या है, हकीकत रियलिटी इसकी क्या है, न मालूम है इसकी माहियत क्या है। ये तकरीबन हम मायने लफ्ज़ हैं लेकिन अलग अलग हैं, आगे आपको जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तब समझ आएगा। न इसकी ताकत की हकीकत, हकीकत अब तक मालूम है, और न इसकी माहियत, यानी असल में क्या चीज़ है ये ताकत, असल में ताकत जो है ये क्या चीज़ है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं। और डेफिनेशन तभी बन सकती है जब किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम हो, जब किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ मालूम हो, जब प्रॉपर्टीज़ मालूम हो तब बाकी चीज़ों क्वालिटीज़ वगैरह वगैरह उनके बारे में फिर आप डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन इसकी अभी तक आज तक यहाँ तक साइंस आ गया, लेकिन अभी तक न इसकी हकीकत मालूम है ये ताकत क्या है, न इसकी माहियत मालूम है ये ताकत क्या चीज़ है। एनर्जी, ताकत यानी एनर्जी, कुव्वत या ताकत, अभी तक ये मालूम नहीं क्या चीज़ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दो आदमी आते हैं, चले कहते हैं चलो जी हम रेस्लिंग करते हैं, खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, या ये कि हम हैंड पावर का खेल खेलते हैं, तो एक आदमी ज़्यादा कुव्वत वाला होता है, दूसरा कम कुव्वत वाला होता है। ज़्यादा कुव्वत वाला जो है वो जीत जाता है, कम कुव्वत वाला हार जाता है। हम कहते हैं उसमें ज़्यादा कुव्वत है और इसमें कम कुव्वत है, लेकिन ये क्या चीज़ है इसमें, ये नहीं मालूम। हम कहते हैं इसमें ताकत ज़्यादा है, इसमें कुव्वत ज़्यादा है, आप समझिए कि नहीं, लेकिन असलियत जो है, हकीकत जो इसकी है, ये कुव्वत क्या चीज़ है, मुझ में इतने किलो उठाने की ताकत है, 200 किलो, 500 किलो उठा सकता हूँ, यहाँ से कोई कहे मैं 10-15 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकता, और मेरी एज का होगा वो कहेगा, मुझे तो 5 किलो उठाना भी वार हो जाएगा, तो आप मुझे माफ़ी करो तो सही, चूहा लंडोरा ही सही, है कि नहीं। अब सवाल पैदा होता है, ये मुख्तलिफ इंसानों के अंदर भी, एक में ताकत ज़्यादा, एक में ताकत कम, इस चीज़ को हम डिफाइन करना चाहेंगे, क्या कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब तक आज तक भी ताकत जो है, एनर्जी जो है, इसकी न हकीकत मालूम है, एक राज है, इवन टिल डेट इट इज़ ए सीक्रेट, मुमकिन है कभी मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये सीक्रेट है, सरबस्त राज है, इसकी हकीकत क्या है और इसकी माहियत क्या है। तो इस लिहाज से लिहाजा पहली चीज़ जो हम इनसे कह रहे हैं वो ये है कि तबद्दुलुल मादा बिताका, हमारे पास एक दलील ये है जिसे आपकी दलील का हम तोड़
कर रहे हैं, जवाब बताइए माधव पर, उसके पास जवाब नहीं है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, जब ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है ये गैर काबिल दीद है, देखने के काबिल नहीं है, और गैर काबिल लम्स है, लम्स छू लेना, गैर काबिल लम्स, लिहाजा ये जो ताकत है ये गैर काबिल दीद भी है, यानी देखे जाने के काबिल, और ये गैर काबिल लम्स भी है, लम्स, बल्कि जितने सारे सेंसेशंस हैं उन सेंसेशंस की पकड़ में ये नहीं आता। क्या आप ताकत को सूंघ कर बता सकते हैं इसकी कौन सी बू है, बदबू है, खुशबू है, क्या है? क्योंकि इसकी कोई बू ही नहीं, समझ रहे ना, यानी जो भी सेंसेस हैं वो सब की सब, क्या आप इसको चख सकते हैं? गैर काबिल जायका, इस तरह सब जो भी हिस्सियात हैं, सेंसेशंस हैं, उन सेंसेशंस की गिरफ्त में आने वाली चीज़ ताकत नहीं। ये पहली चीज़, पहली दलील। दूसरी दलील आपकी वही दलील है एटम वाली। आप तो केमिस्ट्री में तजुर्बे कर रहे थे, तजुर्बे करने निकल पड़े और बहुत सारे तजुर्बे किए, तो आपने एटम के अंदर बताया प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तादाद इतनी है, इतनी है, इतनी है, क्या आपने कभी देखा? जी नहीं देखा। ये दूसरी दलील, ये पहली, और दूसरी है एटम, एटम का स्ट्रक्चर। आप उर्दू ही लिखें एटम की साख्त, एटम की साख्त लिखें, जैसे अंग्रेजी छोड़ दें, ये बन जाता है हाइब्रिड, हाइब्रिड को छोड़ दीजिए, हाइब्रिड को हम नहीं रखते हैं। कश्मीरी में हाइब्रिड को क्या कहते हैं, क्या बता सकते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, किसने कहा, आपने कहा, क्या कहें? जो हाइब्रिड होगा उसको क्या कहेंगे कश्मीरी में? नहीं मालूम आपको, चलिए छोड़िए। अगर आप सुनना चाहेंगे तो क्लास की बात बताता हूँ, ठीक है? हाइब्रिड, अंग्रेजी लफ्ज हाइब्रिड। तो एटम की साख्त, एटम का स्ट्रक्चर जो है आप बता रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर है, और ये भी बताया है कि जो इसकी रिंग है वो सर्कुलर है, हेक्सागोनल है, ऑक्टेगनल है, पेंटागनल है, किस शक्ल सूरत का इसका रिंग जो होता है वो होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमे होते हैं, घूमते रहते हैं। आप ये सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखे? माता परस्त या केमिस्ट नहीं बताएगा मैंने कभी देखे, क्या बता पाएगा? फिर उसने कैसे तय किया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने प्रोटॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स, है ना, ये सब चीज़ें उसको पता है, लेकिन कैसे? एम्पिरिसिज्म के ज़रिए से नहीं, तो फिर किस चीज़ से? इन्फरेंस के ज़रिए से, इन्फरेंस के ज़रिए से इन्फर किया, ये चीज़ यूँ है, लिहाजा इन्फरेंस ये होती है कि यूँ होगा। तो ये भी तो मुकम्मल साबित बात तो नहीं है, एग्जैक्टली हम नहीं कहेंगे कि वाकन ऐसा ही है, हालांकि हम कबूल करते हैं क्योंकि इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस नतीजा निकाल के बताया जा रहा है, लेकिन ये कि एम्पिरिकली तजर्बा गाह में इसको एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं लाया गया है मेजरमेंट के ज़रिए से कि वो बताएं इतने हैं और इतने क़ुव्वत के हैं, इतने वेट के हैं, एटॉमिक नंबर इतना है, एटॉमिक वेट इतना है, आप समझ कि नहीं? अगर क्लियो होगा तो उस जो जिसने पहले डिस्कवर किया उसके पास शायद क्लियो हो, लेकिन हर किसी के पास ये क्लियो वगैरह इस चीज़ की नहीं है। तो लिहाजा एटम की साख जो है ये दूसरी चीज़ है जो कि नाकाबिल दीद है। साइंस तो दान को पता होगा या ना पता होगा, लेकिन ना रूहुल्लाह को पता होगा और ना सजाद साहब को पता होगा, क्योंकि इनके देखने की चीज़ नहीं है,
ठीक है कि नहीं। तो ये दूसरा मसला है, दूसरी बात है जो कि नाकाबिल दीद और नाकाबिल तजुर्बा है, और ये भी इस चीज़ में आती है कि ना दीदनी होकर भी इसका वजूद है, हम इनकार नहीं करते वजूद है, लेकिन ये कि नादीदनी है। अगर इसका नादीदनी है तो मेरे जिन बाबा को क्यों नहीं मानते, मेरे फरिश्ते साहब को क्यों नहीं मानते, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह ये बहस आगे ले जाएंगे, एक दो दिन में ख़त्म करेंगे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।